नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश फॉरवर्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंट्रा पे आपको कैसे बुकिंग करनी है। ठीक है, इंट्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शिपिंग लाइन ने रजिस्टर मतलब किया हुआ है, जिसके थ्रू आप शिपिंग लाइन में बुकिंग कर सकते हैं। उसमें आपको इंट्रा में रजिस्ट्रेशन भी करना होता है, अगर आपको बुकिंग वगैरह डालनी है तो आपको इंट्रा में रजिस्ट्रेशन भी करना होता है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो एक बना दूंगा और ऑलरेडी मैंने बनाया भी हुआ है, तो मैं इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से आपको इंट्रा में आपको बुकिंग डालनी, किसी भी शिपिंग लाइन जो शिपिंग लाइन इसमें रजिस्टर्ड है उनका आपको बुकिंग कैसे डालना है और कौन कौन सी शिपिंग लाइन इसमें रजिस्टर्ड है, वो चीज़ आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कैसे बुकिंग डालना है वो चीज़ भी आपको इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि मैं इस चैनल पर फ्रेट फॉर्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस और भी कोई अपडेट आता है तो वो चीज़ आपको इस चैनल पर आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम इंट्रा में जाके लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको उसे जो बुकिंग है वो कैसे डालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंट्रा में लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, जैसे लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड आपको डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ये जो आप देख रहे हैं नीड ऑन अकाउंट, इस पर आप क्लिक करके आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, मैं रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है तो यहाँ मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके का जो पेज है, आपके सामने इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो डिटेल है, जो आपकी कंपनी की डिटेल है, इंट्रा आईडी है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगी। ठीक है, सपोर्ट के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लाइव चैट और कस्टमर सर्विस सेंटर से आप बात कर सकते हैं। और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आपका कंपनी का जो अकाउंट है, जो भी है डिटेल होती है, वो सारी इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। ये आपका प्लान वगैरह है, यहाँ पे आपका बुकिंग, ये आपका बुकिंग जिस तरीके से आपको डालनी है, कहाँ से बुकिंग डालनी है, ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, बुक में जाके आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है, जो मैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे बीएल ड्राफ्ट वगैरह सबमिट करते हैं तो यहाँ से आप बीएल ड्राफ्ट आप सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन आपको सबमिट करना है। ठीक है, और इसके बाद आपको मैं आपको बता देता हूँ जिस चीज़ के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे बुक पे आपको क्लिक करना है, बुकिंग के लिए कंटेनर की बुकिंग आपको करनी है, तो ये बुक पे क्लिक करके आपको क्रिएट न्यू बुकिंग पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं क्रिएट न्यू बुकिंग पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्रिएट न्यू बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का जो पेज है ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे जो कैरियर एन वी ओ सी सी बुकिंग एजेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मतलब कैरियर मीन्स जो एम एल ओ शिपिंग लाइन है वो एन वी ओ सी सी और बुकिंग एजेंट। ठीक है, जिन्होंने भी रजिस्टर मतलब जिस भी शिपिंग लाइन का या जिस भी एजेंट का अगर इंट्रा के थ्रू उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है कि इंट्रा के थ्रू आप उन्हें बुकिंग डाल सकते हैं, तो उनका जो डिटेल है यहाँ पे होगा। जैसे आप सी एम ए का भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, एमरेट शिपिंग लाइन का बुकिंग यहाँ से डाल सकते हैं, और गोल्ड स्टार शिपिंग लाइन का मतलब जिम लाइन का, और हैम्बर्ग शूट का, हैपैग लॉयड का, मक्स और एम एस सी और जिम लाइन का। ठीक है, आप इनका सबका यहाँ से आप बुकिंग डाल सकते हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए हैपग लॉयड में आपको बुकिंग डालनी है, ठीक है, कोई भी शिपिंग लाइन है सबका प्रोसेस सेम है, आपको बस यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं हैपग लॉयड सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो आपका रेट एग्री हुआ होगा। जैसे आप कोटेशन नंबर आप हैपैक पे अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका कोटेशन नंबर जनरेट होता है, और अदरवाइज आपको सेल से भी आपको कॉन्ट्रैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर देना है, जो भी इसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, यहाँ पर बुकिंग ऑफिस आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको बुकिंग ऑफिस है यहाँ पर आप टाइप करके यहाँ पे बुकिंग ऑफिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे न्यू दिल्ली में टाइप करता हूँ तो ये आप बुकिंग ऑफिस आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको शिपर का डिटेल डालना है, मतलब जो भी एक्सपोर्टर है उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मैं यहाँ पे विस्टा लॉजिस्टिक्स डाल देता हूँ, आप चाहें तो पूरा डिटेल भी डाल सकते हैं, वरना आप नाम लिख के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ जो भी कंपनी का नाम हो गया एक्सपोर्टर का, और यहाँ पर आपका एड्रेस का डिटेल हो गया। ठीक है, एड्रेस यहाँ पर आप डाल देंगे, इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका फॉरवर्डर, जो आप जो भी सबमिट कर रहे हैं, आपका यहाँ पे अकाउंट डिटेल
मतलब पहले से लॉग इन है तो आपका फॉरवर्डर में आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंसाइनी का डिटेल डालना है, ठीक है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा इस तरीके से, आप जो इसका ऑप्शन आ रहा था अभी कि इससे ज़्यादा डिटेल नहीं डाल सकते। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो रेड कलर का आप ये स्टार का निशान देख रहे हैं, इसमें ये चीज़ आपको मैंडेटरी होंगी फिल करना, ठीक है। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको पोर्ट रैम्प और CY2 पोर्ट रैम्प और CY, ठीक है। आपको अगर डोर टू डोर है आपकी जो मतलब यहाँ से फैक्ट्री से लेकर फैक्ट्री तक है कंटेनर की बुकिंग, या पोर्ट टू पोर्ट है तो आपको पोर्ट रैम्प और CY2 पोर्ट रैम्प और CY, ठीक है। मोस्टली पोर्ट टू रैम्प यही वाला होता है, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। पोर्ट ऑफ कैरियर रिसिप्ट, जैसे दादरी है कोई भी, आपका जो ICD है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ कैरियर डिलीवरी, जो भी जहाँ के लिए भी आपको बुकिंग चाहिए वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। मैं जैसे JBLL डाल देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आप जो भी टाइप करेंगे आपके सामने वो नीचे आएगा, तभी आप उसको सेलेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा आप करेक्ट पोर्ट के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि कई बार सेम नेम के अलग अलग पोर्ट आते हैं, लेकिन आप कोड देख लीजिएगा कौन से कोड के लिए आप बुकिंग डाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो अर्लियर डिपार्चर डेट है, मतलब आपको पहला आपको कब चाहिए वैसल, अगर जैसे वैसल 9-10 तारीख में है लेकिन आपका प्लानिंग नहीं है, तो आपको यहाँ पे 12 तारीख आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो मेंशन कर देना है, ठीक है। लेटेस्ट डिलीवरी मतलब कब तक होना चाहिए, ये आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब यहाँ पे वैसल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिलीवरी होती है, कभी भी दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप ये ऑप्शनल है, अगर इसमें आई थिंक सॉरी यहाँ पे वैसल डिटेल आपने यहाँ डाल दी है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला आप खाली छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद आप कार्गो डिस्क्रिप्शन डालना है, जो भी आपका कार्गो है, जैसे मैं यहाँ पे आयरन डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको उसका HS कोड डालना है, 6 अंक का जो HS कोड होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे अगर मैच कर रहा होगा आप उसको डाल सकते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे नीचे आके, ठीक है। जैसे फ्रूट वेजिटेबल है जो भी उसका है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे उसका कार्गो वेट डाल देना है, एक्सक्लूड टेयर वेट, ठीक है। एक्सक्लूड टेयर वेट मतलब आपका जो जो उसका कंटेनर का वेट के साथ जो वेट होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ग्रॉस वॉल्यूम आपको यहाँ पे डालना है, CBM डालना है, जैसे 40 में 52 CBM तक आ जाता है, और भी ज़्यादा आता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका CBM एक्चुअल CBM होगा। नहीं होगा तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका कंटेनर डिटेल है, आपको कितने कंटेनर चाहिए वो आपको यहाँ पे टैप कर देना है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 20 चाहिए, 20 40 फिट चाहिए, 20 फिट चाहिए, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट टर्म सेलेक्ट कर लेनी है, एडिशनल जो जैसे अब बेसिक फ्रेट आपको यहाँ पे करना है, प्रीपेड सेलेक्ट कर लेना है, और बाकी यहाँ पे पेयर को मतलब कौन पे करेगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप फॉरवर्डर हैं आप पे करेंगे तो आप अपना यहाँ फॉरवर्डर आपको सेलेक्ट कर लेना है। पेमेंट लोकेशन जो भी लोकेशन है, जैसे दिल्ली है तो आपको दिल्ली करना है, और इसके अलावा आपको कुछ अलग इसमें फैसिलिटी चाहिए जैसे कंटेनर में, जैसे डेस्टिनेशन पे आपको फ्री टाइम चाहिए, या इसके अलावा और भी चीज़ आपको फैसिलिटी चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इस ये सारी चीज़ डिटेल भर लेंगे तो आपको यहाँ पे ईमेल ID आपको डाल देनी है, जिस पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। जैसे मैं ईमेल ID डाल देता हूँ, आप यहाँ पे 6 ईमेल ID डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से logistics.com, और उसके बाद यहाँ कॉमा लगाना है, फिर एक और ईमेल ID डाल सकते हैं। ऐसे ही आप इस तरीके से 6 ईमेल ID डाल देंगे, और अगर आप इसको इस बुकिंग को दोबारा यूज़ करना चाहते हैं कभी आगे फ्यूचर में, तो आप इसका टेम्पलेट भी, आप इसका यहाँ पे टेम्पलेट नाम लिख के सेव एज टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका टेम्पलेट में सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ सबमिट बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका बुकिंग सबमिट हो जाएगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन मेल भी आ जाएगा, और आपका इंट्रा नंबर भी आपका यहाँ शो करेगा, ठीक है। और टेम्पलेट वाला मैंने जो आपको बताया, जैसे आप यहाँ सेव एज टेम्पलेट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो टेम्पलेट का ऑप्शन है इसके अंदर आपका टेम्पलेट सेव हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर आप दोबारा सेम बुकिंग डालते हैं तो आप इसी को खोल के, टेम्पलेट को खोल के आप दोबारा से बुकिंग डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा, जो आपका न्यू कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंट्रा में बुकिंग डाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।